तो मैं देखिए बनाती हूँ अब मैं ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट मैंने अभी बना लिया है। इसी तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है, देखिए जैसे मैंने ये फ्रंट पार्ट का बनाया है, देखिए इसी के बराबर मैंने इसको बनाया है, देखिए ये बॉर्डर। यस, अब देखिए मैं इसमें डिजाइन डालकर ऊपर को बुनती हूँ बैक पार्ट। देखिए अब मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ बैक पार्ट में, इस तरह से डालना है डिज़ाइन, देखिए वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, सेवन और ये एट। देखिए ये मैंने एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, थ्री की चेन और सेवन डबल क्रोशिया, टोटल हो गए एट डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसमें ये डिज़ाइन डालती हूँ, इस तरह से डालना है, देखिए डबल क्रोशिया को मैंने ये फ्रंट से बुना, फिर मैंने ये बैक से बुना, फिर मैंने ये फ्रंट से बुना और फिर मैंने ये बैक से बुना, देखिए ये हो गए हैं वन टू थ्री फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया और ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए फिर मैं ये सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी, सेवन और ये एट, देखिए ये मैंने एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए एट डबल क्रोशिया डालने के बाद फिर से मैं इसी तरह से ये डिज़ाइन डालूंगी, फ्रंट डबल क्रोशिया बैक डबल क्रोशिया, ये मैंने फ्रंट से डाला और ये बैक से, टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, देखिए इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, अब फिर से मैं एट डबल क्रोशिया डालूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, देखिए ये मैंने एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर इसी तरह से मैं डिज़ाइन डालूँगी, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट देखिए इसी तरह से मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी, इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। अब रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैंने लास्ट में एक डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, देखिए लास्ट में मैंने एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए फिर मैं ये सेकेंड रो बनाती हूँ, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, देखिए मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए फिर मैं ये डिज़ाइन डालती हूँ, तरह से डालना है डिजाइन, देखिए जो मैंने पहले डिजाइन डाला था उसी को रिपीट करना है
उसके ऊपर ही बुनना है बैक से और फ्रंट से। देखिए इस तरह से मैंने ये बुन दिया है। फिर ये एक डबल क्रोशिया बुनना है। अब देखिए फिर ये सिक्स डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब इनको भी इस तरह से बुनना है जैसे मैंने पहले बुना था। फ्रंट से बैक से डबल क्रोशिया बुना, फिर फ्रंट से बुना, फिर मैंने ये बैक से बुना, फिर ये मैंने फ्रंट से बुना। देखिए बैक और फ्रंट से बुनना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया बुनते हुए। सिक्स डबल क्रोशिया है, सिक्स डबल क्रोशिया है ये, थ्री बैक में डालेंगे और थ्री फ्रंट में। ये फ्रंट है देखिए और ये बैक है उल्टी तरफ है और डलने इसी तरह से है ये। और अब वो को इसी तरह से कंप्लीट करना है, रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखिए फिर मैं ये फोर्थ रो बनाती हूँ। इस तरह से देखिए डिजाइन आ रहा है। देखिए वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, सेवन और ये एट। ये मैंने शुरू में एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और बीच बीच में भी मैंने ये एट डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए मैं ये डिज़ाइन डालती हूँ, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा जैसे मैंने ये बैक में और फ्रंट में डबल क्रोशिया डाले हैं बॉर्डर में, वैसे मैंने ये यहाँ पर डाले हैं। ये मैंने इसका डिज़ाइन बना दिया है। बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको डाल सकते हैं। अब देखिए डिज़ाइन आ गया है। अब देखिए मैं फ्रंट से बुनूंगी, फिर मैं ये बैक से बुन रही हूँ, फिर मैं ये फ्रंट से, फिर मैं ये बैक से, फिर मैं ये फ्रंट से। देखिए बैक से और फ्रंट से ही मैं इसको बुन रही हूँ और आगे तक इसी तरह से बुनना है। देखिए अब मैंने ये बैक पार्ट को इतना बना लिया है। देखिए इस तरह से आया है नीचे से और ये ऊपर से आया है। अब देखिए अब मैं इसके आर्म होल बनाऊंगी यहाँ पर, यहाँ पर दोनों तरफ साइड में। तो देखिए इस तरह से मैं आर्म होल को बनाती हूँ, डबल क्रोशिया को डिक्रीज करती हूँ। अब मैं ये साइड से करना है जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में आर्म होल बनाए हैं, वैसे मैं बैक पार्ट में भी बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं आर्म होल को बनाऊंगी यहाँ पर डबल क्रोशिया को डिक्रीज करके और इधर से भी। तो मैं इसमें भी डिक्रीज करती हूँ डबल क्रोशिया को आर्म होल बनाने के लिए। देखिए अब मैं ये आर्म होल बनाने के लिए डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। तो इस तरह से करना है डबल क्रोशिया को डिक्रीज। देखिए देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर रही हूँ आर्म होल के लिए।
देखिए, वन टू और ये थ्री। देखिए यहाँ पर मैंने फाइव डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया है ये। देखिए यहाँ से इधर और ये सिक्स डबल क्रोशिया में मैंने ये थ्री की चेन बनाई है। अब इसी तरह से डिजाइन डालते हुए आगे को बुनना है। ये थ्री डबल क्रोशिया ऊपर को इसी तरह से चलेंगे, इधर इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है बैक में, फ्रंट और बैक में। देखिए अब मैंने ये रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब इधर से मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूंगी। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री। देखिए अब देखिए आगे को मैं डबल क्रोशिया को नहीं बुनूंगी। ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया बुन दिए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ से मैंने फाइव डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इस तरह से मैंने इसको डिक्रीज कर दिया है। देखिए और इधर से भी मैंने, देखिए दोनों तरफ से अब मैंने ये डिक्रीज कर दिए हैं। अब ऊपर को मैं इसी तरह से बनाऊंगी। डिक्रीज करने के बाद वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया ऊपर तक कंप्लीट करना है वार्म होल को घटाने के बाद। और एक ये थ्री। देखिए अब मैंने ये बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये इस तरह से आ गया है। देखिए देखिए ये मैंने पीछे से नेक को नहीं डिक्रीज किया है, नेक नहीं बनाया है पीछे से गला। देखिए इसी तरह से प्लेन रखा है मैंने ये। देखिए ये मैंने आर्म होल बनाए हैं, इसमें भी मैंने 20 रो बनाए हैं आर्म होल में और इधर से भी इस तरह से। देखिए और ये डिजाइन देखिए इस तरह से आया है ये, इस तरह से। देखिए फर्स्ट पार्ट बनाया और फिर मैंने ये बैग बनाया, दोनों पार्ट को मैंने अब बना लिया है। देखिए इसे मुड्डों को जोड़ना है को जोड़ना है। देखिए अब मैं ये जोड़ती हूँ। मैंने देखिए दोनों पार्टों को उल्टा कर लिया है, ये भी उल्टा है बैक पार्ट भी और ये फ्रंट पार्ट भी। अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। देखिए इस तरह से जोड़ना है। वन चेन ले ली है मैंने अभी ये। अब इसी तरह से देखो इधर से भी चेन लेनी है और इधर से इस तरह से इसको सिलना है, जोड़ना है क्रोशिया से।
दोनों को बराबर रखकर जोड़ना है। देखिए अब मैंने ये जोड़ दिया है, इसको क्रोशिया से इस मुड्डे को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ये आ गया है। अब देखिए दूसरी साइड का भी मुड्डा इसी तरह से मैं जोड़ूंगी। देखिए मैंने ये अब दूसरा मुड्डा भी जोड़ दिया है। देखिए अब मैंने ये दूसरा मुड्डा भी सिल लिया है। इस तरह से ये आ गया है और इधर से इस तरह से आ गया है। देखिए अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दोनों मुड्डे आ गए हैं। देखिए मैंने इसके अब ये दोनों मुड्डे भी जोड़ दिए हैं। देखिए इनको जोड़ दिया है। अब देखिए सीधी तरफ से इस तरह से ये स्वेटर आ गया है। देखिए इस तरह से इसका नेक आ गया है, गला, और देखिए इस तरह से स्वेटर आ गया है। अब देखिए मैं इसका नेक बनाती हूँ। गला बनाना है अब इसका, तो इस तरह से मैं गला बनाती हूँ। फिर इसके मैं आर्म होल बनाऊँगी बाद में, तो पहले मैं इसका गला बनाती हूँ। देखिए अब मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। इस तरह से बॉर्डर बनाना है गले का। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया ही डालना है। इस तरह से देखिए बैक में 35 डबल क्रोशिया रखूंगी मैं यहां पर, तो इसमें 35 से ज्यादा डबल क्रोशिया डालेंगे तो बाकी डबल क्रोशिया को मैं डिक्रीज कर दूंगी। देखिए इस तरह से डिक्रीज करना है डबल क्रोशिया को। देखिए मैंने डबल क्रोशिया चेन में डाली, इसको हाफ बुना, फिर आगे भी डबल क्रोशिया को मैंने हाफ बुना, फिर ये हो गए थ्री, वन टू थ्री, फिर एक साथ इनको मैंने बुन दिया इस तरह से। यहाँ पर मैंने टू डबल क्रोशिया का बन बना दिया है, एक बना दिया है, डिक्रीज मैंने कर दी है यहाँ डबल क्रोशिया। इसी तरह से डिक्रीज करते हुए 35 डबल क्रोशिया बुनने हैं बैक में। बीच
बीच बीच में डिक्रीज करना है डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से हाफ बुना डबल क्रोशिया को, फिर हाफ बुना, फिर एक साथ तीनों को इस तरह से बुन लिया। तो यहाँ से भी मैंने वन डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। डिक्रीज करते हुए बुनना है। देखिए दोनों को मैंने हाफ बुना, ये हो गए थ्री, वन टू थ्री, और फिर एक साथ इसको बुन दिया इस तरह से। यहाँ पर भी वन डबल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है। देखिए गले में डिक्रीज इसलिए कर रही हूँ डबल क्रोशिया को, इसमें ज़्यादा डबल क्रोशिया नहीं हो जाए इसलिए डिक्रीज कर रही हूँ। अभी थ्री हो गए, वन टू थ्री, फिर एक साथ इनको निकालना इस तरह से। यहाँ पर भी मैंने वन डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को बुन लिया है, और मैंने ये 35 डबल क्रोशिया रखे हैं पीछे बैग में, और बाकी डबल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है। देखिए मैंने कितने डबल क्रोशिया डिक्रीज करे हैं पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। यहाँ पर मैंने एट डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पर देखिए बैक में मैंने ये अब डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 35 डबल क्रोशिया। अब देखिए आगे भी मैं 35 डबल क्रोशिया ही रखूँगी। देखिए इसी तरह से बुनना है इनको भी। देखिए यहां से भी मैंने वन डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। वन डबल क्रोशिया को हाफ बुना, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया को भी हाफ बुना, फिर ये हुए थ्री, वन टू थ्री, और एक साथ इनको मैंने निकाल दिया इस तरह से। इसमें मैंने फोर डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब देखिए गले का सेंटर आ गया है, बीच आ गया है। यहाँ से मैंने हाफ हाफ किया था गले को, तो इस तरह से अब इसको मैं बुन देती हूँ। ये मार्क को मैं निकाल देती हूँ, और ये टू डबल क्रोशिया जो मैंने यहाँ पर छोड़े थे, टू जो ये ट्रिपल क्रोशिया मैंने छोड़े थे, अब इसको मैं बुन लेती हूँ। ये है वन और एक ये टू, तो दोनों का मैं एक बना देती हूँ इस तरह से। फ्रंट से डबल क्रोशिया को इस तरह से बुनना है इस तरह से। मैंने ये टू डबल क्रोशिया का बन बना दिया है, ये बीच में रहेगा सेंटर में। आगे इसी तरह से डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए इस तरह से आएगा गला। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बुनने हैं। इधर की साइड भी मैंने 35 डबल क्रोशिया रखे हैं, और अब मैं इधर की साइड भी 35 डबल क्रोशिया रखूंगी, और पीछे भी मैंने 35 डबल क्रोशिया रखे हैं। बाकी डबल क्रोशिया को मैं डिक्रीज कर दूंगी।
करके इसी तरह से डिक्रीज करने हैं इधर की साइड भी। वन डबल क्रोशिया को हाफ बुना, फिर हाफ बुना, ये हो गया 1 2 3 और एक साथ इनको निकाल दिया। इस तरह से यहाँ पर भी मैंने वन डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए डिक्रीज मैं इसलिए कर रही हूँ कि गला ज़्यादा बड़ा ना आए, फैला हुआ ना आए, इसलिए मैं डबल क्रोशिया को गले में कम कर रही हूँ। इस तरह से मैंने बुनते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए जोड़ देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है। देखिए गला इस तरह से अब ये आ गया है। देखिए इसकी मैंने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। देखिए अब मैं इसकी सेकंड रो बनाती हूँ। इस तरह से बनानी है 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशे। देखिए ये फ्रंट से बुनना है डबल क्रोशिया को इस तरह से। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इसको बुनकर कंप्लीट करना है फ्रंट से और बैक से। देखिए अब ये सेंटर आ गया है बीच गले का। देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया यहाँ से और 1 यहाँ से। तो इस तरह से डिक्रीज इसको करना है गले की शेप लाने के लिए मैं डिक्रीज कर रही हूँ। देखिए ये मैंने बैक से बुना इस तरह से डबल क्रोशिया को, हाफ बुना मैंने इसको, इसको भी मैंने हाफ बुना फ्रंट से, फिर इसको मैंने बैक से बुना इस तरह से हाफ हाफ बुना है मैंने ये 3 डबल क्रोशिया को। अभी हो गए 1 2 3 4, अब इनको एक साथ बुनना है। देखिए इस तरह से एक साथ इनको बुनना है। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया को कम कर दिया है, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। ये सेंटर में रहेगा डबल क्रोशिया ये वाला। देखिए अब इसी तरह से कंप्लीट करना है बैक और फ्रंट से डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए अब मैंने ये सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए अब इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। देखिए ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी। तो देखिए फ्रंट से डबल क्रोशिया बुनूंगी और बैक से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से इसको बुनना है। देखिए इस तरह से आएगा ये बॉर्डर। ये थर्ड रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया को डिक्रीज करना है यहाँ सेंटर में बीच में।
देखिए अब बीच का ये आ गया है, सेंटर आ गया है गले का। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया कम करूँगी, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर और 1 डबल क्रोशिया इधर, इधर की साइड और इधर की साइड। तो इस तरह से मैं डिक्रीज करूँगी। सेकेंड रो में भी मैंने ये डिक्रीज करे थे, अब मैं थर्ड रो में भी डिक्रीज कर रही हूँ। ये गले को शेप में लाने के लिए मैं डिक्रीज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से फ्रंट से बुनना है डबल क्रोशिया को, और फिर यहाँ से भी बुनना है इस तरह से, और फिर इधर से बुनना है। देखिए ये हो गया 1 2 3 4। अब इनको एक साथ बुनना है इस तरह से। अब ये मैंने डबल क्रोशिया को 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है सेंटर से, बीच से। देखिए यहाँ पे फिर इसी तरह से बैक फ्रंट से बुनना है डबल क्रोशिया को। देखिए अब मैंने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी लास्ट रो बना रही हूँ। अब सबसे पहले मैं 3 की चेन बनाऊँगी। देखिए इसी तरह से क्रोशिया को डालना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट क्रोशिया, इस तरह से फ्रंट से बैक से और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब ये सेंटर आ गया है, बीच आ गया है गले का। अब देखिए यहाँ से मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज नहीं करूँगी, इसी तरह से डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से ये गला आ गया है। देखिए वी शेप में आ गया है ये गला।